किसी ज़माने में एल्विन टॉफलर ने दशकों पहले आज से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की बात कही थी। एल्विन टॉफलर कोई साधारण फ्यूचरिस्ट नहीं थे, उन्होंने फ्यूचर शॉक नाम की एक मास्टरपीस लिखी थी। जो बात एल्विन टॉफलर नहीं कह गए थे वो ये कि इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का असर मीडिया और जर्नलिज्म पे कितना पड़ने वाला है। जी हाँ, हर क्षेत्र में आज बिग डेटा का दौर है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक बार सी आई है पिछले कुछ सालों में। इस ओवरलोड का असर हर क्षेत्र में पड़ा है और मीडिया और जर्नलिज्म भी इससे अछूता नहीं रह सकता था और नहीं रहा। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म चेंज हो गया है, फोर्थ स्टेट प्रेस जो है ये बिल्कुल बदल गया है, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, इसे समझने की ज़रूरत है। बदला क्या है? बदला सिर्फ ये है कि एक बेसिक स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन हुआ है। पहले जो एक रिपोर्टिंग होती थी, अभी वो एनालिसिस हो गई है। और वो इट वाज ऑलवेज कमिंग, वो इवोल्यूशन होना ही था, इट वाज इनएविटेबल, उसे नहीं रोका जा सकता था। इतनी बाढ़ सी अगर आएगी, हर क्षेत्र में इतना एक क्रांति हुई है, तो ये जर्नलिज्म उससे बच जाता, ये हो नहीं सकता था। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि पहले 20-30 साल पहले की अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो जैसा का तैसा, जैसा न्यूज़ हुआ उसको वैसे ही रिपोर्ट कर दिया गया और बताकर छोड़ दिया गया। आज वो नहीं हो सकता है। आज उस न्यूज़ को रिपोर्ट नहीं करते हैं लोग, एनालिसिस करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसमें से कुछ इनसाइट निकाल करके और कंज्यूमर को देते हैं। अब यहाँ दो तबके के लोग इससे नाराज़ हैं, एक जो पुराने पत्रकार वर्ग हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और दूसरा जो कंज्यूमर है उसका एक सीधा एक्यूजेशन है, उसका सीधा आरोप है कि ये जर्नलिज्म के नाम पे पत्रकार कोई रहे नहीं और ये बिल्कुल ही नाटकबाजी शुरू हो गई है। देखते हैं कि दोनों का आरोप कितना सही है और क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले पत्रकारों पर आते हैं। पहले आम जनता को न्यूज़ के लिए केवल इन्हीं ओल्ड स्कूल जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, इन पे ही निर्भर होना पड़ता था। आप रेडियो खोलते थे, ये आकाशवाणी है, अब आप प्रादेशिक समाचार सुनिए, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, आप उन पे ही निर्भर थे। फिर आप न्यूज़ टेलीविज़न खोलते थे और आप दूरदर्शन के जो न्यूज़ आते थे आप उस पे ही निर्भर थे, आपके पास उसके अन्यथा वो डेटा नहीं था। आज आप उस डेटा के लिए वहाँ नहीं जाते हैं। आज जो है वो डेटा जो है आपके पास अवेलेबल है। आप सबसे पहले सुबह उठकर news.google देखते हैं, वहाँ से आपको डेटा मिल जाता है, या फिर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ से सोशल मीडिया से आपको डेटा वो मिल जाता है, रॉ डेटा। तो आप उसी रॉ डेटा के लिए अब नहीं जाएंगे। जब आप जाते हैं तो इसका सीधा मकसद है उस मीडियम की तरफ कि आपके पास रॉ डेटा है, आप उस रॉ डेटा का थोड़ा एक सब्जेक्टिव फॉर्म, एक विस्तार देखना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन, जो कि आज हो रहा है। तो जब आप उस इंटरप्रिटेशन की ओर जाते हैं तो वहाँ जो इंसान बैठा है, जो उस, जैसा मैं कह रहा हूँ कि पहले न्यूज़ सीधा रिपोर्टिंग हो जाती थी, आज वो न्यूज़ जो है वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बोला जाता है। और हर क्षेत्र में ये हुआ है। एक डेटा साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है, पहले डेटा एक बर्डन हुआ करता था और आज देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है डेटा साइंस पर इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि एक ही डेटा हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन वो कंपनी इन्वेस्ट करती है कि उस डेटा में से इनसाइट निकालें, उसमें क्या बात जो निकल के आ सकती है जिसमें वैल्यू हो। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ है जर्नलिज्म में। और जब आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो अलग अलग चैनल उसी एक डेटा में से, एक ही न्यूज़ में से अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो जब ये होगा तो वो कौन करेगा? वो इंसान करेगा। और जब इंसान करेगा तो वो इंटरप्रिटेशन, वो एक एनालिसिस जब भी कोई करेगा इंसान, तो उसको अपना ह्यूमन कॉग्निटिव बायस सामने आएगा। कोई भी इंसान एक न्यूट्रल बनने की कोशिश भी करे, फिर भी उसमें ट्रेसेस आपको दिख जाएंगे, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट। और ये हर कंट्री में होता है। US में भी आप जाएंगे तो आप फॉक्स न्यूज़ है, CNN है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स नेटवर्क्स की ONN है, उसका एक अलग झुकाव सभी लोग जानते हैं कि होता है। ब्रिटेन में भी यही है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, इंडिया में भी यही है। यही हो सकता है समय के इवोल्यूशन के साथ। तो जब भी ह्यूमन बीइंग्स इंटरप्रेट करेंगे किसी एक रॉ डेटा को, अपने तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो उसमें थोड़ा लेफ्ट राइट का कॉग्निटिव ह्यूमन बायस होगा ही।
तो और क्यों पत्रकार लोगों को क्यों बुरा लगता है? उन्हें ये बुरा लगता है कि पहले पूरा उनका उन पे आश्रित थे सभी लोग, अब उन पे आश्रित नहीं है। तो ये जो उन पे निर्भरता कम हुई है, इसका स्वाभाविक है, ये जाहिर सी बात है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये। और वो लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ है। तो ये फेक न्यूज़ कुछ है, कुछ सही भी न्यूज़ है, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग वो न्यूज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग न्यूज़ वहीं से लेंगे और आपके पास आएंगे, उसको थोड़ा सा उसको एनालिसिस करके, एक्सट्रापोलेट करके, उस पे विषय को के तर्क वितर्क में जाके उसको डाइसेक्ट करने के लिए फिर ओल्ड स्कूल मीडियम के पास टेलीविज़न खोलते ही हैं, न्यूज़ चैनल। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कंज्यूमर की दृष्टि से देखें कि फिर क्या करें, क्या समाधान है। समाधान दो स्टेप में है। पहले स्टेप में यह है कि पहले आप इसे स्वीकार कर लें, ये चेंज हुआ है, ये इवोल्यूशन इनएविटेबल था, होना ही है, था और हुआ है। पहले इसको स्वीकार कर लें कि अब हम प्री वाई टू के एरा में अब हम नहीं जा सकते, हम जहाँ खड़े हैं वहीं से आगे जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत गलत हुआ है, कुछ लोग कहते हैं ये ठीक हुआ है। सही हुआ या गलत हुआ, ये एक अलग पहलू होता है देखने का, और जो हो रहा है वो एग्जिस्टेंस में उसमें एक अलग सत्य होता है जिससे नकारा नहीं जा सकता है। तो पहले ये स्वीकार करें कि ये चेंज होना ही था, एक इवोल्यूशन है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि 100-200 साल पहले ऐसा होता होगा कि फोर्थ स्टेट प्रेस का काम होगा सीधा खबर को लाना। अभी खबर आपके पास ऑनलाइन है, गूगल में है, फेसबुक, ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे खबर है। अब उसके बाद उसका एक्स्ट्रा एनालिसिस वो चाहिए लोगों को। तो दो चीज़ें हैं, अगर अगर आपको वो जो आजकल न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स में होता है, बहुत हाई वोल्टेज न्यूज़ डिबेट होता है, लाउड बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ होता है, अगर वो आपको अफेक्ट करता है, आप बिल्कुल ना जाएं वहाँ पे। सीधा सा जवाब ये है, आपके लिए वो नहीं है, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा, वो आपके लिए नहीं है, उसे छोड़ दें। लेकिन अगर आपको फिर भी ये देखना है कि कैसे उनमें से मैं जज करूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या प्रोपेगेंडा है, आपको वो प्रज्ञा विकसित करनी पड़ेगी, वो विजडम कंज्यूमर को आज डेवलप करना पड़ेगा कि जो 10 बातें बोली जा रही है उसमें से 2 बातें कौन सी सही न्यूज़ है और कौन सी 8 बातें प्रोपेगेंडा है या एजेंडा है या क्रॉस सेलिंग करके अपना कुछ एक एक्स्ट्रापोलेटेड मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ आप पे थोपा जा रहा है। तो ये कंज्यूमर के ऊपर निर्भर है कि उसे ये विजडम डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो विजडम आप में है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी न्यूज़, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, आप सुन सकते हैं, और आपको जो लेना है न्यूज़ उसमें से आप ले सकेंगे, और जो आपको लगता है कि ट्रैश है वो आप छोड़ सकेंगे। ये बहुत आवश्यक है यहाँ पे। तो न्यूज़ जैसे देखिए, फोर्थ स्टेट, ये फोर्थ स्टेट वर्ड क्या है, एडमंड बर्क ने इसे 1787 में पार्लियामेंट में कहा था। बेसिकली 3 स्टेट्स प्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन एरा के टाइम से ये आ रहा है कॉन्सेप्ट, वहाँ क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स थे। तो ये फोर्थ स्टेट की एक एक सांकेतिक भाषा थी कि हाँ, ये भी इनका भी महत्व है। तो आज उस तरह से वो अपने समय की बात थी, उस पृष्ठभूमि में, आज उस तरह से आप फिफ्थ स्टेट सोशल मीडिया को बोल सकते हैं। फिर आगे चल के सोशल मीडिया में भी एक इवोल्यूशन आएगा जिसके बारे में फिर लोग कहेंगे। तो क्या है कि स्टेटस को लेकर जो इंसान में एक प्रवृत्ति है कि स्टेटस को हम पकड़ लेते हैं अपने अपने, हमारे दिमाग में ये बात सेट हो जाती है और चेंज कोई चाहता नहीं है। तो कोई भी स्टेटस को से चेंज होता है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लोगों का होता है। यही चीज़ जर्नलिज्म में भी जो चेंज हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंज, इवोल्यूशन, जैसा मैं कह रहा हूँ, सीधा रिपोर्टिंग से एनालिसिस, ये चेंज हुआ है, इसको लेकर के थोड़ा सा लोगों में एक एक रेजिस्टेंस है अभी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि अब पीछे नहीं जा सकता है, अब यहाँ से आगे ही बढ़ा जा सकता है। तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा और इसके बारे यहाँ से हम आगे क्या करें वो सोचना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 चीज़ कर सकते हैं। अगर वो आपको अफेक्ट करता है, अपने पेरेंट्स को ये सब समझाएं कि अगर उनका ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के न्यूज़ डिबेट्स ना देखें, एक डेंजरस है उनके। लेकिन अगर ये विस्डम है किसी इंसान में, कंज्यूमर में, रीडर में, व्यूअर में, कि मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देख सकता हूँ उसमें से क्या सही है और क्या गलत है, क्या एजेंडा है, आई कैन सी थ्रू ऑल दिस, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वही रियल TRP होती है जो एक चैनल की वो बताती है कि वो न्यूट्रल व्यूअर्स में कितना पॉपुलर है और कितना अनपॉपुलर जा रहा है किसी एक टाइम टाइम सेगमेंट में। तो ये चीज़ आगे आगे का टाइम बताएगा कि फर्दर इवोल्यूशन क्या होगा। लेकिन इस वक्त तो वो मालिक नहीं है, आप मालिक हैं। आपको ये विजडम डेवलप करना पड़ेगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और अगर उसमें आपको विजडम
आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, देन डू नॉट लेट दिस अफेक्ट यू पर्सनली। तब आप वहाँ ना जाएं, आप न्यूज़ के लिए ऑनलाइन देखें, news.google देखें, फिर न्यूज़ आपको कहीं से भी पता चल जाता है ऑनलाइन। तो ये अभी हम लोगों को आगे सोचना पड़ेगा। गलत नहीं हुआ है, सही भी कुछ नहीं हुआ है, ये इवोल्यूशन है।